तो ये मेरा पहला ब्लॉग रहेगा, मतलब मैंने अपने दूसरे चैनल में ब्लॉग करने की कोशिश करी थी तो मेरे को समझ नहीं आया मुझे करना क्या चाहिए, तो मैंने सोचा उस चैनल को फिटनेस चैनल बना देता हूँ और एक ब्लॉगिंग के लिए अलग ही चैनल बनाता हूँ। मतलब मेरे सब्सक्राइबर तो कभी बढ़ने नहीं है ना मेरे चैनल में इतने व्यू आने हैं, पर टाइम मतलब ये सब कुछ जो ले रखा है चोचले बोझले ये सब चीज़ों के रहते हुए मुझे ये सब करने का मन कर रहा है, क्योंकि बाइक लेने से पहले मेरे भाई ने मुझे GoPro गिफ्ट किया था ये बोल के तू ब्लॉग करियो, और उसकी बात सुन के मुझे बड़ा क्रेजी सा लगा था, मैंने सोचा ब्लॉगिंग करनी चाहिए अपन को और मैंने ले लिया था। तो मतलब जिन लोगों ने भी GoPro ले रखा है या कोई भी कैम ले रखा है, मतलब कैमरा जो यूज़ करते हैं राइडिंग के टाइम पे, तो उन लोगों ने ये चीज़ तो ज़रूर फील किया होगा कि हमेशा ब्लॉग सही नहीं बनती, हमेशा ब्लॉग सही नहीं बनती, हमेशा कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है। जैसे मेरे साथ था, मैं पहले संडे राइड में गया था और वो संडे राइड मेरा पहला संडे राइड था और शायद आखिरी था, उसके बाद मैं गया नहीं और उसके बाद मुझे एक बुरी सी न्यूज़ पता चली, वो मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। तो क्या हुआ, मैं संडे राइड गया तो संडे राइड में मैं बहुत लोगों से मिला, उनमें से एक थे यश भैया और एक राहुल, उनका रिसेंटली बाइक एक्सीडेंट होता है आगरा वाले एक्सप्रेसवे में, और वो दोनों बहुत अच्छे राइडर थे। मतलब मैं मतलब आई एम नॉट अ राइडर, नॉट अ प्रो राइडर, मतलब जैसे बोल सकते हैं ना कि जो स्पीड में बातें करता हूँ, नहीं मैं स्पीड में बात नहीं करता, मैं सेफली चलाता हूँ और मुश्किल से मुश्किल मैं 200 किलोमीटर की स्पीड में गया हूँगा, और वो भी मेरे लिए ये था कि मतलब समझ रहे मेरे हलक में आ गई थी, और मतलब मेन बात तो यही है उनका एक्सीडेंट हुआ और जैसे मुझे पता है पता नहीं कोई गाड़ी चेस कर रही थी, मुझे स्टोरी ढंग से नहीं पता ये उन दोनों के लिए, तो रेस्ट इन पीस भाइयों। हाँ तो पहली बार मैं अपनी ये बाइक इसलिए नहीं निकालता क्योंकि गर्मी इतनी रहती है कि पूछो मत, इतनी गर्मी हीट मारती है पैरों पे, ऐसा लगता है पैर जलवा लूँ मैं अपना, कहीं जाके जलवा लूँ। तो आज मौसम अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा एक राइड भी हो जाए, और एक मेरे दोस्त की दुकान है द टू स्कूप्स सप्लीमेंट शॉप है, तो वो मतलब आपको कुछ भी मंगवाना है दिल्ली में यूपी में इज़ द बेस्ट, और इससे बढ़िया कोई रेट नहीं दे सकता, मैं गारंटी देता हूँ। आप जहाँ मर्ज़ी से सप्लीमेंट लेते हो, जहाँ मर्जी से लेते हो, बट एक बार यहाँ पर आके एक बार रेट कंफर्म कर लो। मैं इनका नंबर और शॉप का एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आपको स्क्रीन में भी दिख सकता है, तो आप कोशिश करना कि अगर कुछ भी लेना है एक बार, अगर आप दिल्ली या यूपी में रहते हैं एक बार रेट इनसे कंफर्म कर लीजिए, अगर आपको रेट जायज़ नहीं देते तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट रेट तो भाई जमीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि मैंने जब लेना शुरू करा था मैं GNC से लेता था, ऑनलाइन लेता था, मैं 2-3 जगह से और लेता था, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये लोग ठगते हैं, मुझे ठगने वाली फीलिंग आ गई थी। फिर अब ऐसा है कि अब जब से मैंने इनसे लिया है तो मुझे कोई ठगने वाली फीलिंग तो आ नहीं रही है, ये अच्छा है, इनका सप्लीमेंट भी अच्छा है, जेन्युइन है, और कायदे से बोले तो अब मैं वापस अनहेल्दी हो गया हूँ और वापस फिटनेस जर्नी में जाने का है। पूछा तूने स्पोर्ट्स बाइक क्यों लेना था, क्या करना था स्पोर्ट्स बाइक का, क्या करेगा, मेन चीज ये मैंने 2010 का सपना है जो मैंने देखा था, क्योंकि 2010 में मैं अपने स्कूल की तरफ से ट्रिप पे जा रहा था जिसमें मेरे बगल में बैठी है वो लड़की जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसमें वो मुझे नहीं करती है, अलग बात है भाई, बचपन में हम गोलू मोलू थे, मैं उसकी भी फोटो डालूंगा, 10th क्लास की भी फोटो साइड में दिखा दूंगा। तो मैं उस लड़की से मतलब प्यार करता था, प्यार मतलब क्या ही बोलूं, इस उस उम्र में प्यार बोलना मतलब देख रहा हूँ आजकल तो निम्बा निम्बी है, मतलब हमारे टाइम में निम्बा निम्बी थे पर इतने हद वाले नहीं थे, बहन चो मतलब सोशल मीडिया में निम्बा निम्बी बहन चो फेमस हो रहे हैं, बहन चो बाइक भगा रहे हैं बंदे,
बंदे वीकली मार रहा स्टॉपी वाला, वो इतने फेमस नहीं है, ये फेमस है निम्बा निम्बी। तो टेंथ में जो मेन जो कारण था, टेंथ में मैं गया था तो मैंने वो चीज़ देखी थी। तो मैं गया तो मैं उसके बगल में बैठा, मेरे दोस्त ने मुझे जगह दिया, बोला बैठ, तुझे मौका मिल रहा तू गवा क्यों रहा, बैठ जाके। यार बड़े प्यार से बैठा मैं उसके बगल में, तो उसने बोला कि मैं विंडो सीट लूँगी। मैंने बोला मुझे उल्टी आती है, मुझे नहीं पता, मुझे विंडो सीट चाहिए। तो वो झगड़ के नहीं, बोला मुझे विंडो सीट चाहिए। मैंने नहीं मुझे चाहिए। तो हम दोनों इस बात पर झगड़ रहे थे कि इसको विंडो सीट चाहिए। तो थके आ रही उसने, जब मैंने ये बोला कि मुझे उल्टी आएगी, तो उसने खुद ही सीट दे दिया, बोला तू ही बैठ, मुझे नहीं चाहिए सीट। मुझे सही लगा, सॉर्टेड लगा, तो मुझे सॉर्टेड लगा और उसने मुझे वो सीट दी। और सीट देने के बाद मैं इतना खुश था, मैं बगल में बैठा था, मैं उसको देख रहा था। फिर मैं बोला था मुझे मेरे साथ हुआ क्या, तो कोई गाड़ी जा रही थी, ऐसी आवाज़ आई, एक बार नहीं 10 बार। और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने, मतलब मेरे बस के बगल में से बाइकें निकली, जू। तो मुझे लगा इंडिया में ऐसी बाइकें नहीं होती होंगी, बच्चा दिमाग था। तो मेरे को पता चला कि हाँ इंडिया में भी बाइक होती है। मैंने अपने दोस्त से बात करी, उसने बोला हाँ स्पोर्ट्स बाइक है, इंडिया में होगी होगी। और मैं शॉक्ड हो गया, आई वाज लिटरली शॉक्ड। और मैंने बोला नहीं, मुझे ये लेने का है। और ये सपना पूरा हुआ मेरा कम से कम 10 साल बाद, 2010 में देखा मैंने, हाँ 2010 में देखा, और 10 साल बाद खत्म हुआ। 2020 में मेरे पास है ये, और मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ को लेके। और घुमा फिरा की सारी बात ये भी है, हाँ जी क्या चाहिए आपको? नहीं है, सही में नहीं है, कार है मेरे पास, कार है मेरे पे, सही लग रहा है, गजब। हाँ तो कहाँ पर था मैं, बच्चे ने भुलवा दिया, सॉरी थोड़ा स्पीड कभी कभी भगाने का मन करता है, आदत है। हाँ तो मुझे अक्सर, मतलब अक्सर मुझे लोगों ने ये पूछा है मुझसे कि आपने ये BMW S1000 RR क्यों लिया, क्या हो गया बच्चों, क्यों मांगते हो, घर में कोई नहीं है क्या, है चल घर का मुझे लेके चलो, मैं देखता हूँ राशन है या नहीं है, बैठ आजा बैठ, मैं राशन लेके आजा, अगर घर पे राशन नहीं हो मैं दिला रहा, आजा घर पे है राशन है नहीं है, हाँ कैमरा है, तेरी शक्ल आ गई है मैं तेरे घर में दिखाऊंगा, है क्या 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 घर पे है ना, कहाँ है घर, क्या है कहाँ पर है, मैं चल रहा हूँ, मैं दिला रहा हूँ, उससे पूछ ले, मैं दिलाता हूँ उससे, ये जो लड़की खड़ी है ना इससे पूछिए बता देगी, पूछ तो, क्या है पहचान लिया मुझे, ये बोल रहे इसके घर पर राशन नहीं है, झूठ बोल रहा ना, इसके घर में राशन नहीं है, नहीं है, अगर नहीं है एक बार देख के बता दियो मुझे, मैं दे दूंगा, ठीक है राशन दूंगा, हाँ मैं तेरे को भी दे दूंगा। इसके घर में सच सच होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, सच सच होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, ठीक है, है? हाँ मैं चारों को दे दूंगा, नहीं दीदी पीछे बैठने की जगह नहीं थी तो दीदी को नहीं बिठाया, दीदी नहीं चाहिए, है नहीं ना, कहाँ से, तो नहीं है मेरे पे, हाँ मैं कल आ जाऊंगा, कैमरा कैमरा है, कैमरा तेरी तस्वीर आ रही है इसमें, चीज चल कल मिलना, ठीक है, नहीं नहीं बंद नहीं करना, नहीं 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 ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेंगे, कल मैं राशन ले आऊंगा भैया, मैंने लिया ना एक ना, हाँ तेल ले आना, तेल सरसों का, हाँ ठीक है डन, हाँ है 10 रुपए और तेल, हाँ
का दाल। हाँ हाँ अच्छा, मुझे लिख के दे दे, लिख के दे दे। चावल। हाँ आटा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सब के लिए वही चार जने। तुम दोनों भाई बहन तो नहीं है ना पक्का? भाई फिर तीन आएगा, तीन। हाँ तो इसमें जो खुशी है वो मुझे जानती है कि मैं गाड़ी में जब भी घूमता था, मतलब कुछ भी मैं खाने वाने के लेता था, मैं पूरा नहीं खा पाता तो मैं इसको दे देता था। आज इन्होंने राशन ही मांग लिया, ये भी देना पड़ेगा मेरे को, देना पड़ेगा, मतलब देना ही होगा, ये बच्चे हैं प्यारे हैं, पता नहीं क्यों मांग रहे हैं। मौसम अच्छा है, खाऊंगा धूप में खड़े के तो नहीं मांग रहे। हाँ तो कहानी कहा थी, तो मुझे बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा कि तुमने S1000 RR क्यों लिया जब तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन थे। पॉइंट इज गुड। तो गाइस आई वांट टू जस्ट मेक दिस क्लियर, S1000 RR इज बेटर देन एवरी बाइक ड्यू टू इसमें जो जो फीचर्स है, ठीक है, क्रूज कंट्रोल वगैरह वगैरह मुझे नहीं पता। जिस टाइम मैं लेने की सोच रहा था, मैंने सोचा था कावासाकी S1000 मतलब कावासाकी 1000 लूँगा, 1000 R जो भी, मैंने वो लेने का जो वो था, तो मैंने ना उसे देखा बहुत कॉमन है, और उस टाइम का जो मॉडल था वो थोड़ा आउटेड मतलब आउटलुक सा था। अब जैसे मैंने ये बाइक लिया उसका नया मॉडल आता है, ठीक है, हायाबुसा का नया मॉडल आता है जिसमें मैं 1000000 साफ बचा सकता था, 800000 साफ बचा सकता था, तो मुझको वो ले लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट कर ले तो वो ले लेता, पर मुझे नहीं पता था कि आएगा नहीं आएगा, और ये छुपा रहा न्यूज़, और मैंने ये लिया। पर इन ऑल केसेस ये बाइक बहुत अच्छा है, बट मेरे को जो इस बाइक से जो दिक्कत है वो ये है ओवर हीटिंग। मतलब अभी मैं रुका हूँ, मैं रेड लाइट में काफ़ी देर से रुका हूँ, मुझे ये चीज़ महसूस होती है, मेरे जांघें महसूस होती है, मुझे मेरे टोज फील हो रहे हैं कि मेरे टोज में आग लग रही है। इस वाले में तो नहीं, इस वाले में तो पक्का मैं दिखा सकता हूँ आपको, पर इन सब में फील हो रहा है। हाँ तो वैसे देखा जाए फीचर वाइज यूरोपियन गाड़ी, मतलब जर्मन गाड़ी है, यूरोप वूरोप में मोस्टली चलता है, तो वहाँ पर तो हीट होने की कोई दिक्कत नहीं है कि मौसम हमेशा ही वो रहता है जैसे हमारे छोटे लड़का नाच रहा है। कल मिलते हैं। हाँ मैं कर ले आऊंगा। हाँ मैं गाड़ी में आऊंगा, ठीक है, नहीं तीनों के ले आऊंगा, ठीक है, एक एक किलो चल जाएगा ना, हैं? चलो बाय, लाल बत्ती हो गई। रफ्तार तो पकड़ना मुझे वैसे बहुत पसंद है, 116 की रफ्तार, और हार्ट भी मेरा पीछे जा रहा है, तो मतलब मुझे सेफली इतने में चलाने में ज़्यादा सही लगता है, ज़्यादा सेफ भी रहता है। शायद आप लोगों को विंड ब्लो कर तो आवाज़ आ रही होगी, विंड ब्लो की वो आती आती है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अभी मैं भाई अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, उसका स्टोर है जैसे मैंने आपको बताया था, उसका नंबर वंबर सब कुछ पॉपअप हो चुका होगा पहले भी, और दोबारा मैं करवा देता हूँ। और अब मैं सीधा जा रहा हूँ, और बूंदा बारिश हो रही है, हल्की हल्की बरसात हो रही है, और मुझको बहुत कूल लग रहा है काफ़ी। मतलब जब से मैंने बाइक लिया ना, मतलब हद से ज़्यादा मेरी बाइक चली होगी, आपको दिखाता हूँ, 1750, और मैंने लिया था ये January 7 को। मैंने देखो 1800 भी नहीं पूरा किया, 1800 का 2000 भी नहीं पूरा किया, और इस चीज़ के लिए मुझे बुरा लगता है कि मैंने आज तक पूरा नहीं किया। पता नहीं अंदर से एक वो रह जाती ना गिल कि मुझे कर लेना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं किया, चला लेनी चाहिए थी। कायदे से बोलो गर्मी के मौसम में बाइक निकालने का मतलब, मैंने जो बताया हीटिंग प्रॉब्लम, मतलब मैंने लेने से पहले इतनी रिसर्च नहीं मारी थी, मैंने लगा BMW नाम है ये सब कुछ देख लेते हैं, मेरे को नहीं पता था कि इतनी हीटिंग होगी। अगर काश मुझे ये दूसरा चांस देते मैं पक्का मैं ये नहीं लेता। मैंने अपने दोस्त की S1000 RR चलाई है, वो 2018 मॉडल है, तो उसके में कोई ओवर हीटिंग वाली प्रॉब्लम है नहीं, उसकी जो बाइक है बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो
वो नॉर्मल है, उसमें कोई हीटिंग नहीं है। मैंने उसकी बाइक भी चलाई थी, मैंने थोड़ी भगाई भी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने जैसे चलाई, उसने मुझे बोला कि यार तेरी बाइक तो हीट मार रही है। मुझे लगा शायद नहीं है, शायद इस वजह से हीट मार रही हो। तो क्या ही बोल सकते हैं, अब जो आ गई तो आ गई। इंडिकेटर भाई, इंडिकेटर पता नहीं कहाँ, पता नहीं ये दिल्ली तो चल रहा, वहां तो कोई वोसड़े वाला देखता नहीं है रोड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पर यहाँ तो देखना चाहिए ना, ना यहाँ देखते हैं ना कहीं देखते हैं। मतलब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है यहाँ पर लोगों इंडिकेटर लगाने में, मतलब गाड़ी हो बाइक हो। अभी किस्मत, अभी थोड़ा शाम मुझे जैसे मैं वापस घर की तरफ जा रहा ना, मैं आपको दिखाऊंगा लोगों की जल्दी होती है घर जाने के लिए। दिक्कत सारी ये है, उनकी बीबी घर में ना रोटी गर्म करके बैठी होती है, तो वो बोलती है कि अगर तुम वापस आओगे मैं रोटी गर्म करके नहीं दूंगी, मेरा काम नहीं होगा खुदा के गर्म कर लेना। इस चक्कर में सब तेज भगते, इस चक्कर में भगने के लिए रहते सारे के सारे। ऐसे तो होगा तो फिर 300 की रफ्तार में घर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी तब भी गर्म करके देती है, प्यार ही इतना मेरी माँ को उससे, शी इज टू अडोरेबल, बहुत प्यार करती है मुझसे मेरी माँ। मौसम बहुत क्याड़ा हो रहा है, हल्की हल्की बूंदे हो रही है जो छप रही है हाथों पे, और सॉरी मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखा, मुझे प्रोटेक्शन पूरे किट में नहीं हूँ, मेरे हिसाब से प्रोटेक्शन गियर पूरा पहनना चाहिए था और जो मैंने नहीं पहना, और अंधेरा हो रहा है मुझे दिख भी नहीं रहा है। तो ये गलती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं थोड़ा ना देखूंगा घूमने की, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बाइक को इन दिल्ली से तो बाहर लेके जाऊँ, पता नहीं बहुत सारा लफड़ा है कि टेस्ट करवा लो, सारे इंजेक्शन लगवा लो, ये कर लो वो कर लो, जिसमें मैंने एक कुछ भी नहीं करवा रखा और ना आदत है करवाने की। तो गाइस मैं क्या करूँ, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरा गला सूख चुका है। मैं अच्छा, तो जो सपना देखा, जो मैंने पूरा किया, जो सपोर्ट मिला मुझे करने के लिए, मतलब कायदे से बोलूँ मैंने नहीं सोचा था कि कभी ऐसे मुझे चांस मिलेगा अपना सपना पूरा करने के लिए, हेल्प मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। और मुझे लग रहा है मैं पिछले वाले कट से काटना था, मैंने कट छोड़ दिया। कभी खुशी कभी गम ना रहेंगे जुदा, कभी खुशी कभी गम। तो मुझे लग रहा है पिछला कट ही था, क्योंकि क्राउन प्लाजा आ गया, क्राउन प्लाजा ही है ना। तो मेरा ना एक छोटा सा मोटिव है, मतलब मुझे ना सारे फाइव स्टार होटल कवर करने के, दिल्ली के जितने भी फाइव स्टार होटल है वो कवर करने के, वो भी अपनी बाइक से, मुझे ब्लॉक करने के होटल कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, उस चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं कर पाऊँ। मेरे हिसाब से ये कट सही है, तो मुझे सारा कवर करने का जितना भी है, जितना भी है हयात वयात फलान लीला पीला जितने भी टेढ़े मेढ़े सारे कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद जो भी होगा मैं आगे जाके कवर कर लूँगा, चेक कर लूँगा। ओह थक गया भाई बोलते बोलते, और एक खामगा लंबी लाल बत्ती होते हुए निकल सकते हैं। और ये पहली चीज़ जो उनको लाल बत्ती में जो क्रॉस करने का होता है वो ये है कि या बेबी क्या ये कट था, मेरे हिसाब से ये कट नहीं है, ये था पता नहीं, मैं अपना दोस्त की दुकान भूल गया क्या, मेरे हिसाब से वही वाला करता। तो देखते हैं दोबारा राइट लेके, गाड़ी में आता था मैं कोई कट नहीं भूलता, क्योंकि मुझे आदत है गाड़ी के अंदर की ना, बाइक में मतलब मैं होपलेस हो जाता हूँ, मतलब मुझे पता है मुझे कनॉट प्लेस जाना, तो मुझे कनॉट प्लेस की जगह मैं कहीं और ले जाऊँगा, मेरे हिसाब से वही कट था, उसी कट में घुस जाते नहीं होगा तो फिर चक्कर मार लेंगे।
ये वाला कट रहा है, ये दूसरा कट जो मैंने मिस किया, मेरी गलती नहीं थी मिस करने के लिए, और मैं चाहता भी नहीं था बिल्कुल मिस करने को। मुझे लगा होने इन्होंने मेल नहीं मारा, पर ऐसा नहीं था, सच्चाई ये है, मेरे पे मार भी नहीं सकते थे, हाँ ठोक सकते थे मार नहीं। तो मेरे हिसाब से ये होगा, क्योंकि उसकी दुकान जो है हाँ सही आया शायद, यहाँ है उसकी दुकान, नहीं ये रही उसकी दुकान, द टू स्कूप्स। तो ही हैज़ अ गुड सप्लीमेंट एंड ऑल। और ये आ रहे हैं बाहर हमारे भाई जी, यहाँ है कीचड़। ओ ये बेबी, तो हमारे हिमांशु भाई को एक चीज का वो था कि तू बाइक कभी नहीं लेके आया दुकान के सामने, आज दुकान के सामने बाइक है और ये खड़े हैं ओनर, ये आपको मेरे नाम पे कभी डिस्काउंट तो नहीं देंगे पर बेस्ट प्राइस देंगे। कहाँ अंदर राउंड नहीं लेने का? हाँ हाँ, तो इतना वो था कि राउंड लेने का है। तो मेरे पास बस यही है, बस हो गए 7 महीने। हाँ 2020 एडिशन है। हाँ हाँ, चलने के बाद जो कर्व वेट होता है वो सही रहता है, वैसे अगर खड़े में हो तो उसका वेट ज्यादा लगेगा। तो अभी ये 200 किलो से ऊपर है, 203 कुछ है, तो जब चलेगी तो वेट भी पता नहीं चलेगा। है हाँ, मैं ब्लॉगिंग करना भी शुरू ही किया है। ग्रे बीस्ट, ग्रे बीस्ट, बीस्ट। तो मेरी ये पहली वीडियो बन रही है, तुम हो गए उसमें, ठीक है चलो। तो मुझे अच्छा लगा, यही चीज़ मेरी भी सबसे पहली सवाल थी मेरे दोस्त से, इसका वेट ज़्यादा होता है, क्या मैं संभाल पाऊँगा वेट को या नहीं। तो चलो अभी मेरा दोस्त चलाएगा बाइक, तब तक के लिए मैं चाबी निकाल लेता हूँ, उसके दुकान में कस्टमर आ गए। द टू स्कूप, ये हमारे हिमांशु भाई फिर से मिल रहे हैं, तो मैंने बोला कि अंदर थोड़ा ब्लॉग मारेंगे। हाय गाइस, दिस इज हिमांशु, जैसे मैंने आपको 3 बार तो मैंने दिखाई दिया, फिर से मैं नंबर दिखाऊंगा अपने चैनल उस पे वीडियो पे। तो यहाँ पर मास गेनर से लेके सब कुछ मिल जाएगा आपको, जो भी ब्रांड बोलोगे बेस्ट रेट पे, बेस्ट बेस्ट रेट पे, तो आप लोग जरूर लेके देख लीजिए। अगर मेरे नाम पे तो भाई फिर भी डिस्काउंट नहीं देगा, क्योंकि रेट इतना बेस्ट है, मैं खुद यहाँ पर आता हूँ लेने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ें घर पहुँचा देते हैं, अगर ज़्यादा दूर हो 100 रुपये मैक्स लेंगे ऊपर फालतू, पर घर पहुँचा देंगे। ए टू सेड वे वेग ओन रूल वन सबका आपको मिल जाएगा, सारी सप्लीमेंट, ग्लूटामाइन, क्रिएटिन, सब कुछ, बीसी डबल ले और विटामिन के टैबलेट, सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर पेटीएम भी कर सकते हैं, और ब्लैक मामा भी है, और हमारे पास कुकीज़ भी है जो मुझे ज़िंदगी में कभी फ्री में खिलाई नहीं है, बट ठीक है। और जैसे हमारे हिमांशु भाई साथ में जो प्रोटीन का डब्बा लेते हैं उनको ना वो देते हैं, तो साथ में प्रोटीन शेकर भी देते हैं अपने दुकान का ब्रांड, तो अभी शायद उनके दुकान में है नहीं, और बोलते ही दे दिया मुझे, थैंक यू हिमांशु, सो टाटा हिमांशु, अच्छे अच्छे, मेरा हाथ दिखेगा नहीं, ठीक है। जैसे आपको ऊपर दिख रहा है हिमांशु, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा डोला, चल भाई बाय बाय भाई, बिल्कुल आराम से जाऊंगा मैं 10-20 की रफ्तार पे, बाय बाय। ये थे हमारे हिमांशु भाजी, बहुत जायज रेट, मतलब बहुत जायज रेट। मैंने जीएनसी का कोई सप्लीमेंट लिया था, मैं जीएनसी के साइड से मंगाता था, वो मुझे 7,000 का पड़ता था, और मैंने जब इनसे लिया
तो मुझे रेट पड़ा 5,500, 5,300, 5,200, मतलब समझ लो रेट में देखे तो 2-3 हज़ार का फर्क था। वो मेरे को बहुत कूल लगा और उस दिन से मैं तो बोल दिया मैं आपका परमानेंट ग्राहक बन चुका हूँ, मुझे यहीं से लेने का। सही में आज बाइक चला के ना बहुत अच्छा लग रहा है, ना हीट पड़ रही है ना कुछ, मतलब हीट आ रही है पर वो वाला हीट ना, मतलब जो ठंड में जब मैंने बाइक निकाली थी ठंड में, जनवरी में थोड़ी बहुत ठंड थी तो इसकी जो गर्माहट से शरीर भी थोड़ा गर्म रहता था, तो नीचे कैसा तो रहता ही रहता था। तो जैसे दिख रहा है BMW भाई भाई। तो अब जा रहे हैं अपने घर के ओर, मुझे थोड़ी और वीडियोस पे काम करने का है, मतलब मेरा जो मेन जो चैनल है उस पर थोड़ा मैं देखूं, उसका भी करने का है। मेन वो चैनल फिटनेस से है तो उस फिटनेस का वो बनाना, मुझे उसका वो चीज़ कंप्लीट करने का आज। तो वो कंप्लीट करके देखते हैं। मुझे लगा ठुल्ला पकड़ लेगा इसकी वाका ना कि साका। स्विगी वाले वैसे भैया मेरे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा वैसे ये मन भी है एक दिन किसी स्विगी वाले से उसका लोकेशन लेके खाना जाके स्विगी, मतलब मैं डिलीवर कर लूँ। और मैं शायद हो सके जो भी क्लाइंट होगा उस क्लाइंट से मैं ये बोल दूँगा कि भाजी मैं बाइक छोड़ के नहीं आ सकता, बाइक रिस्की है मैं यहाँ नहीं छोड़ सकता, समझ जाओ प्लीज़। तो मेरे हिसाब से तो वो आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। हाँ जी हाँ। तो अब मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा, दिल्ली में ना मतलब जाते हुए जो बकचोदी होती है सारी बकचोदी दिखाना चाहता हूँ। ओके मेरे पास मेरा फ़ोन सब कुछ है। Okay, that's my love Jeep. प्यार है देख ले, तेल खाएगा वो नहीं, प्यार है भैन चालक बकचोदी। ऐसी बकचोदी करने से क्या ही फायदा, अपनी लाल बत्ती है ना, तो लाल बत्ती की सारी खासियत यह है कि जिसकी भी बत्ती खत्म हो जाए जिसको जल्दी जाने को जल्दी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा। सुरूर तेरा 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 मौसम सुहाना मेरा मौसम मौसम जाना मुझे अपनी दुआ सुंदर सुंदर ऐसा मना मेरा सुंदर सुंदर। तो कायदे से बोला था मैं यहाँ से भी जा सकता था पर नहीं जाने का। मेरी गर्दन बस, मुझे आप लोग सब इतना कहना है जिसको भी बाइक लेना है, सुपर बाइक लेना है नहीं लेना है, देखा यहाँ पर ग्रीन लाइट का कोई मतलब नहीं है, सब ना कूद के आते हैं बीच में कूद के जाते हैं, क्या ही बोलूँ मैं। जितना मतलब खुद को मतलब रिलैक्स नहीं, आजकल की यूथ भी ऐसा करती है यार, यूथ अब तो मैं यूथ में नहीं रहा, शायद मैं बुढ़ा सा हो गया हूँ, बट सोचना चाहिए ना यार, अगले की जिंदगी अपने हाथ में होती है, अगला अपनी जान में लगवा रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है।
नहीं गलतियाँ मैंने भी किया, ऐसा नहीं है नहीं किया, पर मैंने किसी को ठोका नहीं आज तक अपने वजह से। ठोका है क्या? नहीं। अच्छा तो आज की मैं ब्लॉग में यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा। तो मेरी जो सबसे पहली जो बाइक थी, जो मेरी सबसे पहली बाइक जो थी, लोग भी हाथ दिखा रहे रोड क्रॉस करने के, ज़ेबरा पार्किंग कुछ हो, ज़ेबरा क्रॉसिंग वॉसिंग कुछ नहीं है। तो जो मेरा टॉपिक से जल्दी निकाल देते हैं लोग बीच में आके कुछ ना कुछ बकचोदी करवाने के लिए, 10-20 मिनट में तो चलूँगा नहीं आराम से बात करने के लिए। तो जो टॉपिक था वो ये, जो मेरी सबसे पहली बाइक थी वो थी R15, 2012 आठवें महीने में ली थी मैंने। और आई जस्ट वॉन्टेड दैट बाइक टू बी यू नो, दैट बाइक वॉज ऑसम। तो उस बाइक के साथ मेरे साथ एक खेल हुआ है वो मैं बाद में बताऊँगा। बट इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस बाइक को मैं रिस्टोर करूँगा, मेरी पहली बाइक है तो मैं रिस्टोर करूँगा। उसके बाद मैंने दूसरी बाइक ली थी हिमालयन रॉयल एनफील्ड की, जो मैं चाहता था वो ढंग से चले पर वो नहीं चली। तो इसमें मेरी गलती नहीं कि वो ढंग से नहीं चली, क्योंकि वो बाइक ही लायक नहीं थी ढंग से चलने की। समझ पा रहे हो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? बिल्कुल वो बाइक ही नहीं थी सही जो चल पाए। तो अभी मैं उस वीडियो पे ही, तो अभी मैं यहाँ पर ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ और आप लोग से मिलते हैं कल, मतलब आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो पे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस लाते रहूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना, ऊपर से एडिट करना है, जो मतलब पहले मुझे ना हलवा लगा था ये, जब मैंने अपना पहला चैनल शुरू किया था मुझे कसम से हलवा लगा था। पर मैंने अपने पहले चैनल के लिए मैंने बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। आप लोगों को मैं नीचे उसका भी लिंक शेयर करूँगा, अगर आपको किसी को पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, अगर किसी को पसंद आता है तो वरना मत करना। गाइस देन बाय कहते हुए, आप लोगों को बाय कहते हुए मैं निकल रहा हूँ। टाटा बिरला अंबानी। मौसम मौसम ऐसा ना।